बिना मावा गुलाब जामुन बनाने का आसान और नया तरीका ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही स्पंजी बनेंगे और रसीले बनेंगे। तो देखिए, गुलाब जामुन बनाना बहुत ही सिंपल हो जाएगा जब आप इस तरीके से बनाओगे ना। तो जैसे मावा वगैरह आजकल बहुत ही बेकार मिल रहे हैं बाज़ार में, तो आप घर पर ही इस तरीके से गुलाब जामुन बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनेंगे और एकदम जूसी बनेंगे। और अंदर से जो गांठे वांठे रह जाती है ना, वो भी नहीं रहेंगी। गुलाब जामुन बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सूजी से गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें बिल्कुल बारीक वाली सूजी चाहिए, मोटी वाली सूजी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक सूजी चाहिए ना। हमें इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। बिल्कुल बारीक सूजी होनी चाहिए, बस उसका ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल एक एक दाना उसका बारीक होना चाहिए। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल बारीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। और इसको अच्छे से हमने पहले से ही साफ करके रखा हुआ है। तो अब देखिए, हम इस सूजी को, इसके अंदर जो स्मेल हो, बहुत दिनों से रखी हुई सूजी होती है, उसका थोड़ा सा हम इसका कच्चापन निकाल देंगे और महक भी इस तरीके से हट जाएगी। जो इसके अंदर मॉइस्चर होगा ना, वो भी हट जाएगा। तो हमने पैन में हमने सूजी को डाल दिया और लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। बस इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, उतना ही हमें इसको भूनना है। बस सूजी जो थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, थोड़ी सी इसकी महक वगैरह होगी, वो कच्चापन इसका निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें कंटिन्यू हाथ चलाते हुए भूनना है, हमें हाथ रोकना नहीं है, वरना हो सकता है कि तली में लग जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। तो हमें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। देखिए, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमें भूनना है सूजी को, और ध्यान रखना है कि सूजी का कलर नहीं चेंज होना चाहिए। देखिए, सूजी बिल्कुल परफेक्ट भून चुकी है। हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब हम इसे तुरंत ही हम एक बाउल में निकाल देते हैं। अब हम फिर से एक और पैन लेंगे। तो देखिए, इसी पैन को हमने साफ़ कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून, बस 1 टीस्पून हमें घी लेना है और पैन में चारों ओर अच्छे से लगा देना है। और अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो 2 कप दूध लेना है हमें, बिल्कुल फ्रेश दूध चाहिए और फुल क्रीम वाला दूध होना चाहिए। तो 2 कप दूध हमने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे हल्का हल्का। और फ्लेवर के लिए हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इलायची पाउडर से क्या होगा ना, जो खोआ बनेगा इसका बनाएंगे हम सूजी डाल के, तो उसमें मतलब सूजी की स्मेल नहीं आएगी और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए, दूध हल्का हल्का गर्म हो चुका है और तुरंत ही हम इसके अंदर रबा डाल देंगे, मतलब कि सूजी डाल देंगे। तो देखिए, सूजी को हम थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे, क्योंकि दूध गर्म हो रहा है। तो इस समय अगर दूध ज़्यादा गर्म हो जाता है, आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, तब आप मिक्स कर लीजिए। और नहीं तो लो फ्लेम पर इसको अच्छे से इसके अंदर सूजी डालते जाइए थोड़ी थोड़ी करके, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, सूजी डाली है, दूध भी गर्म है, तुरंत ही ये अच्छे से थिकनेस आ गई ना इसके अंदर। तो जब देखिए इस तरीके से एकदम थिक हो जाएगा, और कंटिन्यू हम इसके अंदर 2 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमें कुक नहीं करना, और दूध भी हमें सिर्फ 2 कप ही लेना है। तो देखिए, ये अच्छे से एकदम इकट्ठा हो गया है ना डो के जैसे। तो अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं और दूसरी हम परात में निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको हमें अच्छे से ठंडा करना है और इसकी अच्छे से गुदाई करनी है। तो देखिए, अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं, इसको साइड कर देते हैं। और जब तक हम इस गुलाब जामुन के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए देखिए, हमने एक हांडी ली है, इसके अंदर हम 2 कप हमने शक्कर डाली है और 2 कप ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चाशनी हमें सेम वैसी ही बनानी है, पर हल्की चिकनापन होना चाहिए और चिपचिपी सी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ी अगर चाशनी बनाएंगे ना, तो गुलाब जामुन अच्छे से सोख नहीं करेंगे, इसलिए हमें बिल्कुल पतली चाशनी बनानी है। कहने का मतलब यह है कि हमें जितनी शक्कर ली है, उतना ही हमें इसमें पानी डालना, और शक्कर जब तक मेल्ट हो रही है बस उतना ही हमें कुक करना, थोड़ा सा उसमें उबाल आ जाए बस उतनी देर तक हमें इसको कुक करना है। तो देखिए, फ्लेवर के लिए हमने इलायची डाल दी है इसके अंदर 2, और थोड़ा सा हम केसर भी ऐड कर दें। केसर से क्या, चाशनी का कलर अच्छा आ जाएगा। तो कलर बहुत अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा इलायची मतलब चाशनी के अंदर थोड़ा सा येलोइश कलर आ जाएगा, तो वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा सा उसमें फ्लेवर भी आ जाएगा। तो जब तक ये चाशनी कुक हो रही है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमें जो हमने सूजी हमने निकाल के रखी थी ना, उसको भी हम अच्छे से उसको अच्छे से गुदाई कर लेते हैं। तो देखिए, धीमे धीमे करके शक्कर मेल्ट होने लगी है ना, तो अब जब तक ये मेल्ट हो रही है, तब तक हम इस देखिए पूरी तरीके से हमें इस सूजी को ठंडा नहीं करना, हल्की कुनगुनी में ही हमें इसको अच्छे से गूंदना है। अगर बिल्कुल ठंडी हो जाएगी ना, तो इसमें कड़कपन आ जाएगा, वो अच्छे से गुलाब जामुन नहीं बनेंगे। तो देखिए, हल्की हल्की ये गर्म है, जैसे मैं कर रही हूँ ना, आप सेम वैसे ही करोगे ना, तो बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे। तो देखिए, उधर चाशनी बन रही है और इधर हम इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। तो इसको जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, सेम वैसे ही हमें इसको अच्छे से मसलते हुए गूंदना है। कोई भी इसके अंदर गांठें नहीं रहनी चाहिए,
अब हम इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर घी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून घी ऐड किया है हमें, टोटल इसके अंदर 2 चम्मच घी लगा है। 1 चम्मच घी हमने पहले डाला था पैन के अंदर और 1 चम्मच अब डाला है, क्योंकि ये सूजी है इसमें कोई चिकनाहट तो है नहीं है, तो हमें इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। तो हमने थोड़ा सा हमने घी डाल दिया जिससे कि इसके अंदर मावे जैसा टेस्ट आ जाए। और 2 कप दूध तो हमने लिया ही था, तो इसको देखिए बहुत अच्छे से रगड़ते हुए, अच्छे से मैश करते हुए हम इसका डो बना लेंगे। बहुत अच्छे से बिल्कुल स्मूथ डो बनाना है। तो डो बनाते समय एक चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि जब तक हम इसको मलना है, जब तक ये हमारे हाथों में चिपकना बंद कर दे और बिल्कुल अच्छे से स्मूथ डो बन जाए इसका। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, सेम आपको वैसे ही करना है। और अगर इसमें कोई गांठे वांठे आपको टच करने में आती है, तो उन गांठों को भी आप हाथ से मसल सकते हो या फिर आप उनको अलग कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जब हम गुलाब जामुन बनाएंगे ना, तो बिल्कुल अच्छे एकदम परफेक्ट बनेंगे और एकदम उनमें कोई भी क्रैक नहीं आएगा। इसको यहीं छोड़ देते हैं। उधर देखिए चाशनी भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए चाशनी बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाती हूँ चाशनी कैसी है ये। तो देखिए चाशनी में हल्का सा बस चिकनापन लग रहा है और हल्का सा में चिपचिपापन लगना चाहिए। हमें कोई तारवार नहीं बनाना, बस ऐसे ही बनानी है। तो देखिए चाशनी बन चुकी है। अब इसको हम साइड कर देते हैं और ढक के रख देते हैं। और अब हम देखिए फिर से हम गुलाब जामुन का जो हमने डो बना के रखा है उसको अच्छे से गूंदेंगे। तो देखिए बिल्कुल डो की शेप हो गई ना इसकी। तो बस इस तरीके से गुलाब जामुन का खोआ हमने सूजी और दूध से बना के तैयार कर लिया। इससे गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। देखिए बिल्कुल सेट हो गया ना, बिल्कुल। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है ना, बिल्कुल गुलाब जामुन के खोए जैसा। तो देखिए ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बन चुका है। अब हम इसके बिल्कुल छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाएंगे। तो छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाने के लिए एक ही मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए 1/4 टीस्पून का हमने स्पून लिया है। इससे हम बहुत छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाएंगे। तो आज हम जो गुलाब जामुन बना रहे हैं वो टूथपिक गुलाब जामुन बना रहे हैं, जैसे होली में बच्चे लोग खेलते हैं और रंग के हाथ होते हैं ना, तो टूथपिक लगा के एक एक खाते जाएंगे उठा के, तो गुलाब जामुन भी गंदे नहीं होंगे और हाथ भी गंदे नहीं होंगे। तो हाथ तो हमारे ऑलरेडी गंदे ही है, तो ऐसे करके हम छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाएंगे जिससे क्या है होली खेलते समय सब लोगों को खाने में ईजी रहे। तो देखिए इस तरीके से हमें छोटे छोटे गुलाब जामुन सभी बना लेंगे। देखिए इसमें एक भी क्रैक नहीं आ रहा ना, मतलब क्या है कि डो को हमने मतलब जो हमने खोआ मावा तैयार किया है वो बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल स्मूथ है, तो मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने सारे ही गुलाब जामुन बना लिए। मैंने थोड़े छोटे बनाए हैं, थोड़े बड़े बनाए हैं। आपको जैसे अच्छे लगते हो वैसे आप बना लीजिए, लेकिन छोटे साइज़ के गुलाब जामुन बनाओगे ना वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे इससे। तो देखिए गुलाब जामुन तो बन चुके हैं हमने। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए आप घी या रिफाइंड कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन आज मैंने रिफाइंड ही लिया है। और इसको हमने बहुत अच्छे से गरम भी कर लिया है, मतलब बहुत हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना घी ऑयल को, और मतलब हल्का गरम होना चाहिए। जैसे हमने डाला इसमें चारों ओर बबल्स उठ रहे हैं ना, बस इतना ही गरम होना चाहिए। इससे हमें पता चल रहा है कि ये बहुत ही अच्छे से मावा तैयार हुआ है सूजी का। और अब हम इसके अंदर थोड़े थोड़े गुलाब जामुन डालते जाएंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हमें लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, अगर हम लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे ना तो ये बिखर जाएंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए जब ये हल्का हल्का, और देखिए हम कढ़ाई को हमने हिलाया पहले जिससे कि तली में एकदम से चुपके ना, और फिर उसको कलछी से इस तरीके से अलट पलट करते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से ये गुलाब जामुन बन जाएंगे सूजी के। तो देखिए हल्के हल्के ये फ्राई हो चुके हैं। और अब इसको हम थोड़ा और डार्क करेंगे, बहुत एकदम काले गुलाब जामुन नहीं बनाना हमें। छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाया है तो थोड़ा हल्का ही कलर रखेंगे हम इसको। तो देखिए इस तरीके से हमने फ्राई कर लिए हैं और अब हम इसको चाशनी के अंदर तुरंत डालते जाएंगे। तो हमें तुरंत ही गरम गरम ही डालना है, और चाशनी भी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर ठंडी हो जाती है चाशनी तो आप थोड़ा उसको गरम कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से सारे गुलाब जामुन मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने बढ़िया रसीले गुलाब जामुन दिख रहे हैं ना, मतलब हम इसको चाशनी के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे जिससे कि चाशनी ये बहुत अच्छे से सोक कर ले। तो देखिए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, गुलाब जामुन ने चाशनी बहुत अच्छे से सोक कर लिया, क्योंकि हमने थोड़ी देर के लिए मतलब 2 से 3 मिनट के लिए हमने चाशनी को अच्छे से गर्म भी कर लिया था। तो लो फ्लेम पे ही हमने गर्म किया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था, जिससे कि जो हमने गुलाब जामुन बनाया ना छोटे छोटे से, ये अच्छे से चाशनी को सोक कर ले। देखिए कितने सॉफ्ट और कितने स्पंजी दिख रहे हैं ना आपको, बहुत ही बढ़िया रसीले गुलाब जामुन बन के तैयार हुआ है ये। तो आप भी एक बार इस तरीके से आप बनाइए, गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
तो देखिए कितने बढ़िया रसीले गुलाब जामुन बने हैं ना छोटे छोटे। आज हमने जो गुलाब जामुन बनाए ना, ये टूथपिक गुलाब जामुन है, क्योंकि इसमें टूथपिक लगाएंगे, क्योंकि होली वगैरह खेलते समय हाथ वगैरह बहुत गंदे हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें एक एक करके हम सभी गुलाब जामुन में टूथपिक लगा देंगे, और जब खेलते समय एक एक करके खाते जाइए उठा के। तो इस तरीके से आप होली को भी इंजॉय कर पाओगे और गुलाब जामुन को भी इंजॉय कर पाएंगे। तो देखिए हमने सभी गुलाब जामुन के अंदर टूथपिक लगा दिए, ऊपर से हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी स्प्रिंकल कर दिए हैं, जैसे हमने पिस्ता स्प्रिंकल कर दिया। आप चाहो तो बादाम या काजू भी डाल सकते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए परफेक्ट टूथपिक गुलाब जामुन सूजी के बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं इसे आप लोगों को पास से दिखाती हूँ, ये कितने सॉफ्ट और कितने स्पंजी, देखिए है ना कितना सॉफ्ट और कितना स्पंज, कितना रसीला दिख रहा है ना गुलाब जामुन। तो बहुत छोटे छोटे बनाए मैंने, इस तरीके से आप बनाओगे ना गुलाब जामुन बहुत ही स्पंजी बनेंगे। और हमने इस पर ना हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा किसी भी चीज़ का हमने यूज़ नहीं किया है। तो आप एक बार इस तरीके से ट्राई करके देखिए, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ओके बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।